बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए एक सीरियन रेसिपी लाई हूँ, इसका नाम है मुताबल। तो चलें देखें मुताबल में क्या क्या चीज़ें अज़ा जाएंगे। तो ये बहुत टेस्टी रेसिपी होती है, सीरियन रेसिपी है। तो अज़ा नोट कर लेते हैं। तो देखें, ये मैंने दो बैगन लिए हैं और ये तीन मैंने ग्रीन चिल्ली लिए, इसको मुझे क्रश करके डालना है अच्छे से, बिल्कुल बारीक बारीक। ये दही है, 4 टीस्पून मैंने भर के दही लिया है, 3 टीस्पून भर के मैंने तहीना लिया है। अच्छा, ऑलिव ऑयल है, ये 4 टीस्पून ऑलिव ऑयल है, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर है, 1 टीस्पून नमक है। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। अच्छा, 3 मैंने लहसुन के जवे लिए हैं, ये भी क्रश होके जाएंगे बारीक बारीक। 1 टीस्पून लेमन जूस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हमने बैगन को भूनना है, तो देखें किस तरह। तो देखें, पहले बैगन में ना हल्का हल्का से थोड़े थोड़े फासले से हमने कट लगाएंगे ताकि ये अंदर तक अच्छे से सिक जाए, क्योंकि इसको हमने चूल्हे पे सेकना है। जैसा बैगन का भरता बनाते हैं, सेम इसी तरह हमने इसको चूल्हे पे सेकना है। अगर ओवन है तो आप ओवन में भी रख सकते हैं। तो इस तरह मैंने ये दोनों बैगनों को इसी तरह लगाना है। तो चलिए, अभी हमने इसको सेकना है चूल्हे पर। तो देखें फ्रेंड, ये मेरी ओवन, माइक्रोवेव ओवन की ग्रिल है, ये मैंने इस पर रखा है क्योंकि हर किसी के पास ओवन नहीं होता है। तो आप इसके रख के ना, तो आप इसको सेक सकते हैं और फिर वक्फे से आपने इसको इस तरह पलटते जाना है ताकि ये अंदर से अच्छे से गल जाए और उसकी जो स्किन है वो उतरने में और इसको मैश करने में आसानी हो जाए। तो चलें, इसको हमने पहले अच्छे से इसको सेकना है। तो देखें फ्रेंड, ये अच्छे से बैगन सीख रहे हैं। अभी 2 मिनट के बाद मैंने इसको निकाल के, इसकी स्किन निकाल के फिर इसका मुझे भरता बनाना है। तो चले, 2 मिनट के बाद इसको मैंने स्किन निकालते हुए आपको दिखाऊंगी। तो देखें फ्रेंड, ये अच्छे से सिक गए हैं बैगन। मैंने यहाँ से भी इसको कट करके फिर इसको चॉप करके इसको मैंने का जो भरता है वो मैंने सारा निकाल देना है। तो देखें फ्रेंड, इस तरह इसको सारा मैंने इस तरह आराम आराम से जो है, बस इसकी जो जली हुई स्किन है वो नहीं आनी चाहिए। तो ये हमने इस तरह पूरा निकाल के, तो देखें फ्रेंड, अब इसको मैंने इस तरह अच्छे से छुरी से ही मैश करना है इसको। और इसमें हल्की सी जो हमने इसको जो सेका है ना, तो हल्की सी स्मोक आनी चाहिए इसके अंदर ना, खुशबू जैसा बैगन के भरते में आती है इस तरह। अभी हमने बिल्कुल इसको अच्छे से मैश कर देना है। तो देखें फ्रेंड, ये एक साइड से हो गया अच्छा सा। अब इसको मैंने दूसरे साइड से इस तरह बारीक मैश करना है कि अक्सर लोग जो है ग्राइंडर में करते हैं, लेकिन ग्राइंडर में जो है ना बहुत ज़्यादा बारीक हो जाए, लेकिन ये खाने में ना इसके छोटे छोटे पीस आने चाहिए तो जब ये और ज़्यादा टेस्टी लगता है खाने में। तो देखें फ्रेंड, ये जो लहसुन मैंने रखे थे 3 जवे, इसके मैंने मोटे मोटे क्रश कर लिए हैं, और ये हरी मिर्चें, ग्रीन चिल्ली, ये भी मैंने क्रश कर लिया है। तो चलें, अब मैं सारे इंग्रेडिएंट्स आपको मुताबिल के मिक्स करना आपको बताती हूँ। तो देखें, ये मैंने दही जो लिया था इसको अच्छे से फेंटना है। तो देखें फ्रेंड, अब इसके साथ में जो नमक रखा था वो मैंने डालना है, और ब्लैक पेपर मैंने डालना है इसके साथ, और ये जो मैंने लेमन जूस रखा था 1 टीस्पून, ये मैंने इसमें डाल दिया है। तो देखिए, जो बैगन रखे थे मैंने मैश करके, ये मैंने इसमें डाल दिया है। अब इसके साथ ही मैंने ये लहसुन और ग्रीन चिल्ली और लहसुन का पेस्ट ये साथ चला गया इसके, और तहीना जो मैंने रखा था, जो तहीना की मैंने आपको रेसिपी दी थी, ये वो तहीना, तो इससे बहुत टेस्ट आता है इसमें। और देखिए फ्रेंड, अब मैंने सब मिक्स कर दिया इसके अंदर। अब इसको अच्छे से फेंटना है, और आप चाहें तो मशीन से भी पीस सकते हैं, लेकिन मशीन से ज़्यादा जो है ना ये हाथ से पीसने में इसका अच्छा जायका आता है। क्योंकि मैं आपसे दोबारा कह रही हूँ कि इसमें जो बैगन के छोटे छोटे पीस आते हैं ना, वो खाने में बहुत जायका देते हैं। अच्छा, ऊपर से जो है मैंने इसको गार्निश में जैतून का तेल थोड़ा सा भी डालना है इसको अच्छे से फेंटने के बाद, और बाकी ऊपर गार्निश में डालना है।
देखिए आधा आधा ऑलिव ऑयल मैंने इसमें डाल दिया है और आधा मैंने गार्निश में डालना है। तो देखें फ्रेंड, ये सीरियन रेसिपी मुताबल रेडी है। ये बहुत टेस्टी और मज़ेदार रेसिपी है, आप बनाएं इंशाल्लाह ताला। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो आप इसको खबूस के साथ भी खा सकते हैं, ब्रेड के साथ भी, चिकन मकीना है, चिकन रोस्ट है, उसके साथ आप ये खा सकते हैं और बहुत जायकेदार बनती है ये। और अगर आपको मेरी रेसिपी ये पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियोस आपको मिल सके। और अपने जितने रिश्तेदार हैं, अजीज़ और करीब हैं, उनके साथ मेरी रेसिपी शेयर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।